गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम देखेंगे श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित एक उपन्यास राग दरबारी। शहर का एक किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसा कि सत्य के साथ होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले इसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़कों के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे खड़ा है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा डेने की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती थी। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीनों के सड़े हुए टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम होता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द चिटक चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्तियों और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थी और दिन रात पानी आंधी आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कुएं को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ में बदलने की तरकीब सारी दुनिया में केवल हमें ही आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दूसरे के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा। देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से निकला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट था। शिकायती किताबी के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारी की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन के बाहर निकल आया। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाँचे हुए जिस्म जहाँ कहीं भी होती हो खिल गई। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्की ले रहे थे। इधर ताककर उसकी खिली हुई बाँचों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या श्रीपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर ने पीने को चाय थी, पर देखने को दुकानदारी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा, हमें भी ले चलिए अपने साथ, 15वें मील पर उतर जाएंगे। श्रीपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नवकंज लोचन कंजमुख कजरंज पद कंचनारूणम, पैद खद्दर के पायजामों में, सिर खद्दर की टोपी में, वदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे में लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने देखा और देखता ही रह गया, फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घड़घड़ाहट ट्रक चला। सड़क की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ आगे साफ और ब्यान सड़क आ गई, जहां ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाने में एक्सलेटर दबे होने से ट्रक की घड़घड़ाहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, उसी बात कह दी श्रीमान ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा दिया। रंगनाथ ने कहना चाहा, हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी, उसका सिरा पैनल के नीचे ठोंक दिया।
ट्रक तेजी से चलता था। उसे देखकर ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के सभी सवारी कई फाग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से नीचे उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वह भाग रही थी, उसे लगता था कि उसकी निगाह में वह ट्रक नहीं, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदलगाम अहंकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने जानवर और बच्चों घरों में बंद कर लो, सड़क में अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूं। ड्राइवर हंसा। दुर्घटना बस एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक के बिल्कुल ही बच गया। वह करीब करीब बचकर वह एक पुलिये के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर उससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल MA किया था, इस बार रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहां मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस पर ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा, बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान ने। रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात है? वो बोला कि मैं बीमार था कुछ देर पहले और देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं, अच्छा जी छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है, क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया, भराए गले से बोला, अजी मैं क्या जानू यह मित्तल कौन है। ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया, ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूका और साफ आवाज में सवाल किया, आप CID में काम करते हैं? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, CID यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और अपने अपने सड़क की दशा पर का निरीक्षण किया। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी, जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वह टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ी पर लेटे हुए थे और मुंह ढाप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटते लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने को हुई नहीं, वो CID वाली बात से उखड़ गया। ड्राइवर ने पहले बड़वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत की आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर कहानी अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ी के ऊपर से निकल ही ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते शायद उसे अचानक मालूम हुआ कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिर गई, गियर बदला और बैलगाड़ी को लगभग छूता हुआ उसके आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, CID नहीं हो तो तुमने यह खदल क्यों डाल रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खदल तो आजकल सभी पहनते हैं अजी, कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं, कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कुहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसल जाता है, न्यूट्रल में ही घुसता है,
देख क्या रहे हो जी, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़ रहे हो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता जा रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर ठक ठक करना शुरू किया। ट्रक वाले की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होता है, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क के बाईं पटरी पर लगा दिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश में प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकलते हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी पहनने कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटवर्क हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाले घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा सब खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ जी, समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोयटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहे हैं। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवे, यहाँ गियर पकड़ बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते ही देखते बहस पुर्जों से फिसल कर देश के सामान्य दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियां बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने चली। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुन पड़ी, क्यों मियां अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहां तक चालान कीजिएगा, एकाध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसमें कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं, अफसर बोला। वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया, पर जांच मेरा फर्ज था, रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। यह असली खादी थोड़े है, यह मिल की खादी है, उसने इज्जत के साथ कहा। अरे साहब, खादी तो खादी है, इसमें असली नकली का क्या फर्क है। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आया। ड्राइवर ने कहा, जरा दो रुपये तो निकालना जी। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया, पर जांच मेरा फर्ज था,
रंगनाथ ने उससे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़े है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब खादी तो खादी, इसमें असली नकली का क्या फर्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब मैं रुपया क्यों दूं। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़ कर कहा, आइए श्रीमान जी मेरे साथ आइए। जाते जाते वो रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे यह बात करते हो, तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों के सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अपनी अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपये का क्या करूंगा। कहते कहते उसने आवाज में एक उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मेल है। चपरासी रुपये को जेब में रखकर वीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की तरफ चला गया। उसके रवाने हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक किसी वजह से वह मुंह को गोल गोल बनाकर सिटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी ही दूर में ही धुंधलते में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गड़ियां सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थी जो कतार बांधकर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के किनारे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू से बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह असलाई हुई चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों की भौंकने की आवाज हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए। यही शिवपालगंज था। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर ना करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठकर चालान भी हो जाएगा। सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। यह थाना शिवपालगंज की बात है जहां एक आदमी दरोगा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मूल्य पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है, इतना काम तो अपराधों की जांच नहीं हो पाती, इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमे का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती, इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोड़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास यह गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है, इस साल का चालान होने में देर हो रही है।
इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायतें भी कम हो जाए। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चिथड़ा, कमलदान, सूखी हुई स्याही स्याही की दबाते मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता कि वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुछ इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरखंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियार में कुछ प्राचीन राइफलें थी, लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई। जो वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया कि वह दिन नाले पार करने में और झपट कर कुत्तों को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदार के प्यार की छाव में पलने वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई सौ साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूस उपन्यास पढ़े हो तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता था कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा होता। बाद में पता चला कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांव के अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया इसका पता लगा सकता है, अपराध ना हुआ तो उसे भी करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण काफी रमणीय और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि वहां डाकुओं से पहले पहुंच जाएंगे। इसी विश्राम पर कभी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं लिए थे ग्रामीणवासी। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहाने लगेंगे। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल है, वह दारोगा जी और उसके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा से की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि जिन 300 गांवों में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि अगर कोई किसी को मार न सके और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके में जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरे का दृश्य देखने वाले को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दारोगा और उनके सिपाहियों को वहां का मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना चिराग घिसते रहते हैं।
शिवपालगंज जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने के बाद, शिवपालगंज जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दारोगा ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार घरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वह फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंभे के सहारे लिटक कर सो रहा था। वो रात को जागेगा। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उसको रुपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं। रुपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता, सप्ताह के बहुत बीत जा बहुत बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठते बैठते ही कहा, रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराए, बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले ही डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूं, डकैती ना हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपम बोले, बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं, यही कि पूरा साम्यवाद है? दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता, रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा, वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसके घर इस तरह ना सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दो। रुपन बाबू ने अपने गले में धसी हुई आंख को सिकोड़ कर दरोगा जी को देखा। दरोगा जी ने भी उसे घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए, बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ यह चिट्ठी जाली है, जरा सिपाहियों से पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एकाध हैं जो दस्तक भर करते हैं, दस्तखत भर करते हैं। रुपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है? रुपन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं, मुझे लगता है रामाधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है, आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली छात्र ही करते हैं। रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या न मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा, मैं बख्तावर सिंह का चेला हूं, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का यही अकेला मजमून खुल गया। पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे, आज के कैसे हैं, बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्होंने झगड़ू और मंगरू नाम के दो बदमाशों उन्हें झगड़ू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में गिरकर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए, कहा, हुजूर, माए बाप गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ किया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर
एतराज किया, तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सकते तो दूसरों को कैसे बताए? अंधेरा था तो क्या हुआ, तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोकने सकता? जब बख्तावर सिंह ने तीन आदमी पर शक किया, तब बख्तावर सिंह तीन आदमी पर शक किया, उन तीनों की झगड़ू और मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी, उन पर मुकदमा चला। झगड़ू और मंगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से, यानी पखाने की नियत से आए आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झगड़ू मंगरू के दुश्मन का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माए बाप, इस बार हमें भी पिटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निवाह करने के लिए झगड़ू और मंगरू काफी थे, उन्हें औलादे बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुपन बाबू काफी देर हंसते रहे। दुर्गा जी खुश होते हुए रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश हो गए, हंसने लगे, दूसरे की अब जरूरत नहीं है। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चले हैं? था, आजादी मिलने से पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है, नागरिकों के लिए। रुपन बाबू अपने बांह छूकर बोले, छोड़िए, मेरे यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने से पहले बख्तावर सिंह का चेला था, पर इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू विनम्रतापूर्ण से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं? वे उठ खड़े हुए, सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। उस डकैती वाले चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुपन बाबू 18 साल के थे, वे स्थानीय कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खासतौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले तीन साल से पढ़ रहे थे। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे, उसका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा के हवालात में बैठा हुआ दो चोर दोनों उसकी निगाह में एक थे। उसी तरह इत्मीनान से नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सब काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रत्येक दुकानदार उसके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे, और शोषण के प्रत्येक इक्के वाले उन्हें सड़क तक पहुंचा कर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का तार बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोगों उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ, लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए उल जुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बूसट पहनते थे और गले में रेशमी का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोंच उसके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उसकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उसका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। ये वे पैदाशी नेता थे, क्योंकि उसके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम बैद्य था।